सोनभद्र अनपरा क्षेत्र में बीते 22 जून को एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। युवती की पहचान करते हुए उसके पिता मरंदन केवट ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी कि मेरी पुत्री प्रियंका का शतविशत शव उसके घर के बाहर 100 मीटर की दूरी पर एक झोपड़ी में मिला है। रामनंदन ने जानकारी दी कि मेरी पुत्री 25 अप्रैल को घर से विनोद के साथ गई थी। रामनंदन केवट ने आरोप लगाया है कि विनोद ही उसकी पुत्री को मारकर उसका शव झोपड़ी में छिपाकर भाग गया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए आज पीपरी सीआईओ ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आरोपी विनोद पुत्र केवल निवासी खटकरी बैडन को मुखबरी की सूचना के बाद हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। आरोपी के ऊपर आईपीसी की धारा 302-201 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रामनंदन केवट है सिदवा कराने वाले, उन्होंने 22 जून को सूचना दी थाने पे आके तहरीर दी कि मेरी लड़की का छत विच्छत उसकी हड्डियां और कुछ कपड़े घड़ी इत्यादि सामान घर से 100 मीटर की दूरी पे मिला है। और उन्होंने बताया कि मेरी लड़की 25 अप्रैल 2019 को घर से गायब हो गई थी। तो उसके आधार पे उन्होंने एक लड़का जिसका नाम विनोद जो कि बैढ़न का रहने वाला है, खटकरी गांव है, उसके ऊपर नामजद तहरीर दी उन्होंने। तो इसके आधार पे पुलिस ने विवेचना की जिससे यह पता चला कि उक्त लड़के का अभियुक्त का संबंध लड़की से करीब 2 साल से था। लड़का यहाँ पे अनपढ़ा था, भी परियोजना में काम करता था पाइपिंग वगैरह का, और वो मजदूरी करती थी जहाँ से उनका संपर्क हुआ था। और घटना के दिन 24-25 की रात में वह अभियुक्त जो है जाके वहाँ घर पे रुका भी था, लड़की के यहाँ पहले भी जाकर रुकता था कई बार, तो रुका था। और अगले दिन सुबह दोनों शौच के बहाने वहाँ से भोर में करीब 4 बजे निकले घर से, और इस अभियुक्त ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी, जैसा उसने स्वीकार किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी आज 24 को सुबह 6:15 बजे करीब अनपरा स्टेशन से की गई है, जहाँ से वो भागने का प्रयास कर रहा था। और 130/19 मुकदमा अपराध संख्या धारा 302-201 में पंजीकृत किया गया है।